बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के अंदर तीन सूबों के अंदर अवाम के सामने इलेक्शन हो रहा था। देखने में तो वो एक बाय इलेक्शन था कुछ हलकों का, लेकिन असल में ये एक रेफरेंडम था, क्योंकि कौम को तो पता था ख़ास तौर पे कौमी असम्बली की जो सीटें हैं कि यहाँ पर तो इमरान खान ने जीत के असम्बली के अंदर जाके ओथ भी नहीं लेना। इसलिए लोग जो वोट डालने के लिए आ रहे थे वो ये वोट डालने के लिए नहीं आ रहे थे कि उनको अपने कोई हलके के काम करवाने थे, उनको कोई गली कोई नाली कोई पानी का काम करवाने थे, ऐसा नहीं कि उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को भी ये समझ में आ गई है कि पाकिस्तान तारीख के एक इंतहाई अहम मोड़ पर आ गया है, और अब दो रास्ते यहाँ से कौम को आगे जाने के लिए, या तो वही पुराना पाकिस्तान चलता रहेगा, वो पाकिस्तान जिसके अंदर चंद ताकतवर लोग जो हैं वो बंद कमरों के अंदर हराम का पैसा इस्तेमाल करके बैरूनी इमदाद लेकर पाकिस्तानी कौम के फैसले करेंगे, या पाकिस्तान की कौम के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की कौम करेगी। क्या पाकिस्तान वैसे ही पहले की तरह बैरूनी ताकतों के सामने सर झुकाकर उनकी मर्जी के फैसले करेगा, उनकी जंगों का हिस्सा बनेगा, या पाकिस्तान जो है वो अपने मफादात देखते हुए, अपनी कौम के अपनी अवाम के मफादात देखते हुए अपने लिए फैसले करेगा। और अवाम का फैसला पिछले 6 महीने से जब भी अवाम से ये सवाल पूछा गया है, चाहे वो किसी जलसे की शक्ल में हो, वो किसी एहतजाज की शक्ल में हो, वो किसी इलेक्शन की शक्ल में हो, तो अवाम का जवाब जो है अवाम के दिमाग में कोई अभाम नहीं है। हर दफा अवाम का जवाब एक ही आता है, और वो जवाब है कि गुलामी ना मंजूर। 17 जुलाई को पंजाब में 20 हलकों के अंदर इलेक्शन कराया गया, उस वक्त तो हुकूमत भी इनकी थी, पूरी तरीके से उन्होंने हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की और 75% सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने जीती। आज 11 सीटों का मुकाबला था, और एक दफ़ा फिर जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तकरीबन अब तो फाइनल रिजल्ट सामने आ गए हैं, 3/4 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ ये सीटें जीती हैं। इमरान खान का बयानिया लोगों के दिल और दिमाग के अंदर उतर गया है। पाकिस्तान के अवाम फैसला कर बैठे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो लोग जिनके पास पाकिस्तान की फैसला साजी का इख्तियार है, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की कौम के फैसले करने की, क्या उनके दिमाग में कोई इबाम है, या उनका भी जहन उतना ही साफ हो चुका है जितना कौम के जहन इस वक्त वाजे हो चुका है? क्योंकि देखें, कौम जो है पाकिस्तान की, उसकी खुशकिस्मती ये है कि एक तो अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाले लोग हैं पाकिस्तानी, तो बहुत सारी मुसीबतें जो हैं वो मुश्किल जो है वो उससे गुजर जाते हैं, और वो रद्द अमल को ऐसा नहीं करते जो बहुत मनफी हो। और इस वक्त ये भी खुशकिस्मती है कि कौम के पास एक लीडर है इमरान खान की शक्ल के अंदर, एक पार्टी है तहरीक इंसाफ की शक्ल के अंदर, जो अवाम की जो उमंगे हैं, और मैं कहूँगा जो इस वक्त अवाम का गम और गुस्सा है, उसको एक मस्बत रास्ता देने के लिए इमरान खान जैसा लीडर मौजूद है। और वो आज भी कौम को यही दर्श दे रहा है कि हमने जो कुछ भी करना है वो एक जमहूरी रास्ते से करना है। और मुतालबा क्या रखा हुआ है? मुतालबा ये रखा हुआ है कि इमरान खान की बात ना मानी जाए, तहरीक इंसाफ की बात ना मानी जाए, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें, पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम का फैसला एक पुरमन तरीके से हो, तो उनको जमहूरियत का रास्ता इख्तियार करने दें, उनको इलेक्शन का मौका दें जिसके अंदर वो ये फैसला कर सकें कि वो किसको जिम्मेदारी देना चाहते हैं पाकिस्तान की। वरना जो पाकिस्तान के अंदर होता रहा है और जिस किस्म का गम गुस्सा, और वो बढ़ता रहा है, क्योंकि बतदरीज ये गुस्सा बढ़ता रहा है अवाम के अंदर, और उसका इजहार आपने आज भी देखा है कि किस तरीके से उन अवाम निकले हैं और अवाम ने आकर वोट डाला है। इस जो पिछले 6 महीने से इस मुल्क के साथ किया जा रहा है उसके खिलाफ वोट डाला है।
पहले वो देखते हैं कि जमीरों की मंडी लग रही है, सिंध हाउस और मेरियट के अंदर हराम का पैसा चल रहा है, जमीर खरीदे जा रहे हैं। फिर उसके बाद उनको नजर आता है कि बैरूनी धमकियां आ गई हैं, बैरूनी मुदाखलत हो रही है, उनको साजिश होते हुए नजर आ रही है। फिर जब वो अपने आईनी हक के लिए निकलते हैं तो बदतरीन हुकूमती दहशत गर्दी और गुंडागर्दी का उनको सामना करना पड़ता है। 25 मई के दिन रात की आधी रात के अंदर दीवारें फलांग कर गैर कानूनी तरीके से औरतों का हरासा किया जाता है। अल्लामा इकबाल की बहू को नहीं छोड़ा, उनके घर पहुंच गए ये, इन्होंने औरतों के साथ क्या नहीं किया। और फिर 25 मई को जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी चार्ज, गाड़ियां तोड़ी गईं, लोग उस दिन अगर वापस 26 की सुबह इमरान खान न ये फैसला करते तो अल्लाह जानता है यहाँ पे इस्लामाबाद में क्या हो सकता था। जो लोगों में उस वक्त गुस्सा था वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जमहूरियत जो है वो एक रास्ता देती है कि वो गुस्सा जो है वो एक मजबूत अंदाज से निकल जाए। आज इस वक्त फैसलाबाद में मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त लोग जो हैं उनका गुस्सा ठंडा हुआ हुआ होगा, क्यों? उनको मौका मिला और उन्होंने जाके न सिर्फ जो आबिद शेर अली और साथ उनके राणा सनाउल्लाह ने कैंपेन की, न सिर्फ बहुत भारी मार्जिन से उनको हराया, बट मुझे सारी शाम से जो सबसे ज्यादा लोगों की खुशी के मैसेजेस आ रहे हैं फैसलाबाद से वो ये आ रहे हैं कि जी राणा सनाउल्लाह की घर की यूसी के सारे पोलिंग स्टेशन जो है उनको हरा दिए, तो उनको एक मौका मिला। आप क्यों चाह रहे हैं, क्यों धकेल रहे हैं पाकिस्तान की कौम को? क्या अभी तक आपको ये नजर नहीं आया कि कौम किधर खड़ी हुई है? फैसला दीवार पर लिखा जा चुका है। अब पाकिस्तान के फैसला करने वालों के पास दो रास्ते हैं, या अवाम को एक रास्ता देंगे जिसके जरिए एक पुरअमन तरीके से, एक मजबूत तरीके से, एक जमहूरी अमल से गुजर के वो जो तब्दीली चाहते हैं पाकिस्तान उस तक पहुंचेंगे, या उनको इतना मजबूर करेंगे कि खुदा ना खास्ता फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़े। और ये किसी अमूमी हालात के अंदर नहीं हो रहा, ये इस सूरत हाल के अंदर हो रहा है कि जिस वक्त कौम जो है वो पहली दफा देख रही है कि IMF का मायदा होने के बावजूद आलमी मार्केट्स के अंदर इसका इनका पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सबसे ज्यादा कोल्ड ब्लडेड, क्या बोलना चाहिए, बेरहम मार्केट्स होती हैं जो बॉन्ड मार्केट है इंटरनेशनल, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का तकरीबन उनको यकीन नजर आ रहा है। क्या किसी ने सोचा है कि जिस वक्त तो खुदा ना खास्ता अगर हम वहां पे पहुंचते हैं, अल्लाह ना करे हम वहां पहुंचे, अगर वहां पहुंच गए तो उसका मुल्क के ऊपर और अवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इस वक्त आपको पता है श्रीलंका की क्या हालत है, 13% उनकी मईशत सुकड़ गई है क्योंकि उन्होंने डिफॉल्ट किया था। एक तरफ वो सूरत हाल आपके सामने है, बदतरीन महंगाई का सामना कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम, बिजली के बिल से वो पागल हो गए हैं, ऊपर से लोड शेडिंग हो रही है और सबको पता है कि अगले 2 महीने के अंदर जैसी सर्दियां आएंगी बदतरीन गैस की लोड शेडिंग होने वाली है। इन हालात के अंदर आप सियासी बोरान को हल करने को ना तैयार हो और आप कहें कि मैं जोर जबरदस्ती ताकत, इस सारी इस कौम की जो आवाज है उसका जवाब हमें इस वक्त क्या सुनने को मिल रहा है? काबीना ने करोड़ों रुपए की गोले खरीदने की इजाजत दे दी, वो कह रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी से हम लेके आएंगे और हम आवाम को मारेंगे। नेते पाकिस्तान के अवाम जो अपना आईनी हक इस्तेमाल करने के लिए आए वो इंशाल्लाह ताला ये मार भी नहीं सकते, आप उनको रोक भी नहीं सकते। लेकिन आखिर में मैं फिर यही कहूंगा कि एक दफा फिर पाकिस्तान के अवाम ने अपनी आवाज से ये फैसला साजों को तक आवाज बात पहुंचाई है कि जो मुल्क के अंदर हालात पैदा किए गए, जो साजिश हुई, जो इंपोर्टेड हुकूमत आई, वो किसी तौर पे पाकिस्तान के अवाम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आज एक दफा फिर पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान के अंदर अपने एतमाद का इजहार किया और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं हुई। सियासी तौर पर जो समझते हैं कि 13 जमातें एक तरफ, आपको पता है ऐसी ऐसी सीटें, मर्दान वाली सीट वहां पे PDM की जो सारा टोला एक तरफ मिलके इलेक्शन लड़ा था, इनके पिछले इलेक्शन में तकरीबन 1,40,000 वोट था, तरीके इंसाफ 58,000 वोट लेके जीती थी इलेक्शन, मतलब उनसे आधा भी नहीं था, और आज वो सीट भी जो है वो तरीके इंसाफ और इमरान खान जीत रहे हैं। इतनी बड़ी इस वक्त इनकलाबी तब्दीली आई हुई है अवाम के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है यहां से बेहतरी की तरफ जाएगा।
इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान की अवाम ने जो मेहनत की है, जिस तरीके से, जिस बहादुरी से पाकिस्तान की अवाम ने ये मुकाबला किया है और दुनिया को पैगाम दिया है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है इस मुल्क के ऊपर रहमतें नाजिल करेगा, बेहतरी की तरफ हमें लेके जाएगा। और इसीलिए मेरी तमाम पाकिस्तान के अवाम से खसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के, अच्छा मैं तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स लीडर्स जिन्होंने मेहनत की, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से तमाम हलकों के अंदर, वो सिर्फ उस हलके के लोग नहीं थे, हमारी पूरी पूरी टीमें, हमारे MPAs, MNAs, टिकट होल्डर, तंजीमें, सब ने माशाल्लाह बेतहाशा मेहनत की है। आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इमरान खान साहब का एक पैगाम देना चाहता हूँ सारी कौम के लिए। खान साहब ने कहा है कि कल सब जो है वो तशक्कुर की दुआ भी करें, अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कौम को कामयाबी दिलाई है, सुरखरू किया है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक को। और ये भी दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमें सबको, ख़ास तौर पे वो जिनके पास फैसला करने का इख्तियार है, अल्लाह ताला मुल्क की बेहतरी के लिए हिकमत वाले फैसले करने की तौफीक अदा कराए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस सूरत हाल में इंतखाबात में हिस्सा लेने की क्या जरूरत पड़ी, क्या ये कौम का पैसा और वक्त जाया करना नहीं है? दूसरे सवाल में ये कि जिस तरह खान साहब इल्जाम लगाते रहे हमारे मखलूकों पर, एक्स एंड वाई पर, तो आप क्या समझते हैं कि ये इंतखाबात आपको देकर, यानी इंतखाबात में PTI को जीत देकर जो आम इंतखाबात आएंगे, इनके से ऊपर तो नहीं है? अच्छा, पहली बात तो अगर ये किसी ने दिए हैं तहरीके इंसाफ को ये इंतखाबात, तो वो पाकिस्तान की अवाम ने दिए मेरे भाई। और जुलाई की 17 को भी पाकिस्तान की अवाम ने दिए थे, वो सीटें तहरीके इंसाफ को दी थी। जहाँ तक आपके पैसे का ज़िया का ताल्लुक है, मैं तो 100% आपसे इतफाक़ करता हूँ। ये इलेक्शन कमीशन और ये हुकूमत जो है करवा के रही है, आवाम का टाइम भी बर्बाद करा रही है, पैसा भी बर्बाद करा रही है। जनरल इलेक्शन के पर जाएं, इस इलेक्शन का तो मकसद ही कोई नहीं है। जब कौम जो है एक ऐसे आदमी को वोट देकर कामयाब कर रही हो जिसको उनको पता है असेंबली में नहीं जाना, तो कौम ने तो फैसला सुना दिया कि उन इस असेंबलियों की हकीकत को ही नहीं वो मानते। तो बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इस इलेक्शन की जो जीत है वो अगले जनरल इलेक्शन की राह को हमवार करेगी? बिल्कुल करेगी। देखें, इस वक्त एक बड़े एंकर हैं, बड़े तजिया निगार हैं, आज सुबह मुझसे वो बात कर रहे थे और उनका कहना ये था, तजिया ये था कि आज शाम को जो रिजल्ट आएगा वो अक्कासी करेगा कि अगले जनरल इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर आप आज 2/3 सीटें जीतने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब इमरान खान जो है वो 2/3 सीटें जीतने जा रहे हैं अगले जनरल इलेक्शन के अंदर। लेकिन ये सिर्फ ये जरूर हुआ कि हम दो तिहाई सीटें नहीं जीत सके, हम 3/4 सीटें जीत गए। आज के हवाले से खान साहब काफी अरसे से उनके लोग भी वेट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, अब जिंदा इंतखाब भी हो गए, नतीजे भी तकरीबन आ चुके हैं, क्या स्ट्रेटजी है लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक? देखिए, खान साहब जो हैं उन्होंने फैसला करना है लॉन्ग मार्च का, उसकी ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। ये अगर इलेक्शन ना होते तो हो सकता है शायद वो पहले अनाउंस ही कर चुके होते, लेकिन मेरे ख्याल में आज रात के बाद एक मौका और देना चाहिए, अगले दिन दो दिन के अंदर, जिसके अंदर लोगों को ये मौका मिले, जैसे मैंने कहा फैसला साजों को, कि अभी भी अपनी गलती को समझें और पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ लेके जाए। नवीद अकबर, आज न्यूज से ये बताइएगा कि आज का जो फैसला है इसके बाद वक्त आ नहीं गया कि इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च करना है जल्द अज जल्द उसका ऐलान करके वो मार्च करें ताकि अवाम जो है वो सड़कों में निकले और इलेक्शन के लिए मजबूर कर सके, वरना तो यही चलता रहेगा। 6 हलके हैं, 6 हलकों में अब दोबारा जो इमरान खान जीते हैं दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो हलफ नहीं लेंगे और हलफ नहीं लेंगे, सीट खाली नहीं करेंगे, चलता रहेगा, आगे अगस्त आ जाएगा, अगला साल आ जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में आपका सवाल, आप ही के सवाल को मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ अगर तरीके से कहूँ, कि सबसे बेहतर तो ये है कि कौम जो फैसला बार बार सुना रही है उसको फैसला करने वाले भी समझें और इसकी जरूरत ना पड़े। आप क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो आके वो दारुल हुकूमत में पहुंचे यहां पर, और वो बेचारे हजारों सिक्योरिटी के एहलकार जिनमें से 70% तहरीके इंसाफ के सपोर्टर हैं, जिसमें से 70% इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनको अवाम के सामने आप क्यों खड़ा कराना चाहते हैं? लेकिन अगर कोई पाकिस्तान की अवाम को आप रास्ता और नहीं छोड़ेंगे तो फिर मेरे भाई उसी तरफ जाएंगे मामला।
असद तुम्हारा साहब ये बताइएगा कि एक तो ये कि यौम तशक्कुर के बाद अगले रोज आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या फौरी तौर पे स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर देंगे, जैसे पिंडी में आज आपने 2 लाख का टारगेट दिया पिंडी की क्यादत को, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मुल्तान में क्या हुआ? देखें स्ट्रेटजी पे तो काम आज भी हो रहा था, आज भी हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर काम हो रहा था। इस इलेक्शन वाले दिन भी हम सुबह के इंतजाम द्वारा, जब मुझे लग रहा था कि स्टेबल हो गया तो उसके बाद हमारी मीटिंग भी हुई थी, तो इंतजाम हमारे चल रहे हैं। स्टेडियो लॉन्ग मार्च की बात करो मेरे भाई, मैं लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ, उसकी तैयारी साथ साथ जारी है। उम्मीद हमारी आज भी यही है कि ये लोग आवाम को इस मुश्किल में डाले बगैर फैसला कर लेंगे, लेकिन उसकी तैयारी भरपूर जारी है। क्या लगता है इमरान खान साहब मरूसियत की सियासत पर बात करते हैं, तो क्या यही वजह है कि मरूसियत की सियासत की वजह से जो मेहरबान कुरैशी को टिकट मिला है शाह महमूद कुरैशी की वजह से, तो उसकी वजह से आ रहे हैं, क्या यही नतीजा है इसका? देखिए मुल्तान का नतीजा जो है, जाहिर है इसके बाद जो है उसका तज़िया किया जाएगा, और उस तज़िये के अंदर ये देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या मुहरकात बने जिसकी वजह से उस दिन जहां पे बाकी हमारे इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, यहां पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सका। लेकिन एक चीज़ का जो मुझे पता है, जो वहां से पहले खबरें आ रही थी, एक आध सीट और पे भी वो हो रहा था, लेकिन मुल्तान से तो ख़ास खबरें आ रही थी। पैसा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहाया है, उन्होंने वोट खरीदे बेताशा हैं पीपल्स पार्टी वालों ने। आवाम ने आपको मुंतखब करके आपको फैसला साज बना दिया है, तो पीटीआई जो गैर जमहूरी फैसला साज है उनका किरदार खत्म करने के हवाले से क्या करेंगे? सर पीटीआई तो मेरे भाई, अगर पीटीआई जो है उस सियासत में यकीन रखती होती तो क्या पता 2002 में वज़ीर आज़म इमरान खान बन चुका होता। तो पीटीआई तो दो ही ताकतों के ऊपर पूरी सियासत करती है, या अल्लाह ताला पर ईमान है और या पाकिस्तान की आवाम पर भरोसा है। हमने तो वो सियासत करनी है, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, देखें मैं वही आपसे कह रहा हूँ। तो जब आपकी पूरी सियासत ही आवाम की ताकत के ऊपर मबनी है, तो किस किस्म का आप निज़ाम चाहेंगे? हमारे चले हम सोच दें कि आप तहरीके इंसाफ वाले जो है ना वो मुल्क का नहीं सोच रहे, वो अपना सोच रहे हैं। अगर मैं अपना भी सोच रहा हूँ, अगर मैं तहरीके इंसाफ का भी सोच रहा हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के अंदर सियासत जो हो उसके अंदर फैसला साज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम हो, क्योंकि वो सियासत मुझे सूट करती है। आखिरी सवाल सर, अभी आपने जिक्र किया कि फैसला साजों के पास दो ऑप्शन है कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करें, आपको पंजाब में पहले भारी अक्सरियत मिली, अभी फिर आवाम ने आपको भारी अक्सरियत जितवाया, क्या आपकी अब भी नजरें फैसला साजों पे, आप नहीं समझते कि आप आवाम के फैसले जो आपके हक में आ गए, सर ये अक्सरियत में आप खुद फैसला करें, कब तक फैसला साजों की तरफ देखते हैं? मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना भैया कि उन्होंने फैसला तो अभी उनके कोर्ट में है ना, इस वक्त तो अभी तक तो मियाँ शहबाज शरीफ को फोन कॉल कर देनी चाहिए थी लंदन के मियाँ साहब, मेरे ख्याल में वो मियाँ साहब ही कहते हैं उनको कि मियाँ साहब ये गल तो नहीं चल रही तो हूँ मैं जान दो तो हाँ वो तो उनके दिल से आवाज निकलेगी कि मेरी बारी जान दो न्याजी आन दो तो शायद आज रात को फोन कॉल कर दें। मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आप बढ़ रहे, वजह क्या है? मैं मुज़ाकरात के लिए हमने कब कहा है कि हम नहीं करेंगे? हम पहले दिन से बोल रहे हैं पाकिस्तान के बहरान का हल एक नया मैंडेट है, नया मैंडेट जो एक नए इलेक्शन के जरिए आएगा, और इस नए इलेक्शन के लिए ऐलान करें हुकूमत के हम काम करने के लिए तैयार हैं, उस इलेक्शन के लिए हम उनके साथ मुज़ाकरात करने के तैयार। मैं दूसरी बात बोलता हूं जो मैं 36 दफा बोल चुका हूं, यार आपके ख्याल में ये सियासी बहरान इलेक्शन के अलावा किसी तरीके से हल हो सकता है? तो आप बता दें, हम उसकी बात कर सकते हैं। ये 4 महीने से पूछ रहा हूँ सिवाय एक सेकेंड यार, अगर आपकी सारी काबीना की 6 महीने के अंदर सियासी समझबूझ सिर्फ इतनी है कि गोले कितने खरीदने और सिंध से पुल्स कितनी मंगवानी है, तो माजरत के साथ क्या मैं मुज़ाकरात में करने जाऊं कि ड्रोन से गोले लगाएंगे या बंदूकों से चलाएंगे? आखिरी सवाल यार, के नतीजे के बाद मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब आप समझते हैं मुल्क वापस आने का सोचेंगे? वो हमारी ख्वाहिश तो ये है कि सारे पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही जिंदगी गुजारें, और हम मियाँ साहब की सेहत के लिए भी दुआ करते हैं, हम चाहते हैं हर शख्स की हम सेहतयाब होने के लिए दुआ करते हैं, और हम ये भी मियाँ साहब को कहते हैं कि मियाँ साहब आपने तो अपनी कई दौरे हुकूमत के अंदर कोई एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां पे आप अपना इलाज कराने को तैयार हैं,
लेकिन इमरान खान की जिस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग चल रही थी, और मुझे याद है डॉक्टर्स हमारे पास खड़े हुए थे शौकत खानम के अंदर, और वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम भी कर लिया था, एयर एम्बुलेंस लेके आएंगे, अमरीका लेके जाएंगे, खान साहब का वहाँ इलाज करेंगे। तो खान साहब ने कहा था मैं शौकत खानम में जहाँ गरीब तरीन इंसान का इलाज होता है मैं वहीं पर इलाज कराऊँगा। मियाँ साहब आप भी आएँ, आपको मैं अपने फैसल सुल्तान साहब से सिफारिश कर दूँगा, आपका इलाज भी शौकत खानम में करा देते हैं।